नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायण के साथ। तो हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के तीन बड़े न्यूज़, तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नंबर वन गाइस, सौरभ गांगुली ने इंडिया टीम को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। सौरभ गांगुली ने कहा कि इंडिया पर वर्ल्ड कप का प्रेशर जरूर होगा, लेकिन प्रेशर तो पहले के वर्ल्ड कप में भी था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि प्रेशर से कोई प्रॉब्लम है इंडिया को। मैं श्योर हूँ कि इस बार इंडिया को सक्सेस जरूर मिलेगी। और देखे तो रोहित शर्मा ने लास्ट वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी लगाई थी, लेकिन फिर भी इस वर्ल्ड कप में उस पर प्रेशर जरूर होगा। और राहुल द्रविड़ जब इंडिया के लिए खेलता था तब उसे परफॉर्मेंस का प्रेशर होता था, और अब वो हेड कोच है इंडिया का, तो अब उसे कोचिंग का प्रेशर है। इसलिए मेरा ये कहना है कि प्रेशर ये हमेशा होगा, इसलिए प्रेशर ये कोई भी इश्यू नहीं है। और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीत सकता है। वो ऑलरेडी 5 IPL ट्रॉफी जीत चुका है, जो कि बिल्कुल भी इजी नहीं है। सो होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बार इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जरूर जीतेगा। और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया ये तो फिक्स है। और फोर्थ टीम के लिए आप न्यूजीलैंड रख सकते हो, क्योंकि वो बड़े मैचेस में बड़ी टीम बन जाती है। आप उसमें पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर सकते हो, और मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान बेटर क्रिकेट खेले और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो, क्योंकि फिर हमें इंडिया पाकिस्तान मैच देखने मिलेगा ईडन गार्डन में। नंबर टू गए, जितेश शर्मा को वेस्ट इंडीज टूर पर सिलेक्ट नहीं करने के बाद जितेश ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। जितेश ने कहा कि गॉड ने मेरे लिए एक बड़ा प्लान किया होगा, इसलिए मुझे बस परफॉर्मेंस करते रहना है। जितेश शर्मा ने आगे राहुल द्रविड़ को लेकर कहा कि राहुल द्रविड़ सर ने मुझे कहा था कि तू काफी अच्छा कर रहा है और ऐसे ही प्लेयर हम फाइंड कर रहे हैं। और बाद में उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि जिस पोजीशन पर तू खेलता है, इस पोजीशन पर रन से मैटर नहीं करते, इंपैक्ट मैटर करता है। जितना तू टीम के विन में कंट्रीब्यूट करेगा, उतना ही तू इंपॉर्टेंट रहेगा टीम के लिए। और अगर कभी टीम ये कोलैप्स हो जाए और तेरी बैटिंग 7-8 ओवर में आ जाए और तेरे टीम के 4-5 विकेट गिरे हो, तो तुझे बस तेरा गेम पर बिलीव करना है और तुझे वो स्कोर एक सर्टन लेवल तक लेके जाना है, जिससे कि टीम फाइट कर सके। नंबर थ्री गाइस, विराट कोहली ने क्रिस गेल को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। विराट कोहली ने कहा कि क्रिस गेल के साथ मैंने काफी टाइम हैंगआउट किया है, और सिर्फ मैं ही नहीं तो टीम के सारे प्लेयर उसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं, और वो एक हम्बल गाय है, और जब हम जमैका जाएंगे तब हम डेफिनेटली क्रिस गेल को मिलेंगे, और वो हमेशा टीम को इनवाइट करता है घर पर, जहां हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और चिल करते हैं। सो मैं श्योर हूँ कि वो इस बार भी ऐसा करेगा अगर वो टाउन में रहा तो। और हम जब लास्ट टाइम भी यहाँ आए थे तब हम उसके यहाँ गए थे, इसलिए डेफिनेटली अगर वो फ्री रहा तो वो हमें जरूर मिलेगा। विराट कोहली ने आगे अपने फेवरेट मेमोरी को बताते हुए कहा कि मेरी फेवरेट मेमोरी ऑब्वियसली एंटीगुआ में है, क्योंकि वहां मैंने फर्स्ट एवर 100 मारी थी टेस्ट क्रिकेट में सर विविन रिचर्ड्स के सामने, और वो मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल मोमेंट था, और मैच के बाद उन्होंने मुझे कांग्रेट्स भी किया था। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।